नमस्कार, मैं रोज। आज से मैं आप लोगों को एक नया बुक पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। किताब का नाम है स्मिथ विगल्सवर्थ, उनके सामर्थ्य का रहस्य, जिसे अल्बर्ट हिबर्ट ने लिखा है। इससे पहले भी मैंने पंडिता रामाबाई, साधु सुंदर सिंह की जीवनी के ऊपर लिखे बुक्स को आप लोगों को पढ़कर सुनाया था, और साथ ही स्वर्गीय मनुष्य नामक एक असाधारण इंग्लिश बुक का हिंदी में ट्रांसलेशन कर भी सुनाया था। अगर आप लोगों ने उस बुक को नहीं सुना है तो मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूंगी उसे भी जरूर सुने। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस अब देर ना करें, अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, कहीं स्मिथ विगल्सवर्थ के इस बुक का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। जैसा मैं अक्सर करती हूँ, इस बुक को भी मैं रोज पार्ट बाई पार्ट डालती रहूंगी। ये एक 80 पेज का बुक है। एनीवेज, बातें बहुत हो गई, अब सीधे बुक की ओर बढ़ते हैं। अध्याय एक, स्मिथ विगल्सवर्थ, उनका व्यक्तित्व। स्मिथ विगल्सवर्थ को व्यक्तिगत रूप से जान पाना मेरा सौभाग्य रहा है। मैंने उनके साथ अपने घर में और उनके घर में संगति की है। हम एक व्यक्ति को तभी अच्छी तरह जान पाते हैं जब उसके पारिवारिक जीवन को जान ले। कई परमेश्वर के दासों को हम पाते हैं कि वो घर में कोई और है और प्रचार के वक्त कोई और है। जिन लोगों ने स्मिथ को केवल प्रचार करते हुए देखने का मौका मिला, वे उनकी सही और पूरी पहचान नहीं पा सके। स्मिथ का यीशु मसीह जैसा कोमलपन ऐसे लोगों से छिपा ही रहा। वे स्मिथ की उन करुणा के आंसुओं को देख ही नहीं पाए जो उन्होंने देखा जिन्हें स्मिथ को व्यक्तिगत रूप से जानने का अवसर मिला। ओरल रॉबर्ट्स ने ऐसा कहा कि वे और उनके साथी प्रचारक विगल्सवर्थ के इतने आभारी हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। विगल्सवर्थ एक अभूतपूर्व विश्वास के प्रेरित रहे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के द्वारा बहुतों को प्रेरणा दी। उनकी सेविकाई से जो जागृति शुरू हुई उसने पूरे देश को उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक प्रभावित किया। हम आज भी उस जागृति के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। स्मिथ विगल्सवर्थ के साथ व्यक्तिगत संगति करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति बदले बिना नहीं रह सकता था। एक व्यक्ति के जीवन में जो प्रभाव स्मिथ छोड़ जाते थे वे बयान से बाहर है। उसका स्वयं अनुभव करने से ही वह समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं। मार्च 1947 में 87 की आयु में विगल्सवर्थ का निधन हुआ, पर आज भी उनकी सेवकाई लोगों के जीवन के अनुभव में जीवित है। पश्चात दर्शन में कह सकता हूँ कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके संपूर्ण जीवन से अधिक उनकी सेवकाई के प्रतिफल देखे हैं। विगल्सवर्थ से मुलाकात। स्मिथ विगल्सवर्थ और मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब मैंने अद्भुत चंगाई पाई। जब मैं केवल एक लड़का था तब मेरी माँ और मैंने इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर के वेकफील्ड शहर के एक छोटे मिशन हॉल में एक सभा में भाग लिया। फरवरी 1923 की एक ठंडे रविवार की संध्या की यह बात है। उस दिन के घटनाक्रम को आज भी मैं स्पष्टता से स्मरण करता हूँ। यहाँ तक कि मुझे वह गीत भी याद है जो तब गाया जा रहा था जब हमने हॉल में प्रवेश किया था। मेरी माँ एक श्रद्धालु एपिस्कोपल विश्वासी थी और चर्च ऑफ इंग्लैंड की नियमित सदस्य भी। तो भी उन्होंने प्रभु यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं पाया था, पर उस रात मेरी माँ ने यह अनुभव पाया। सभा से लौटने पर उन्होंने घर के अन्य सदस्यों को बताया कि उन्होंने उद्धार पा लिया है, पर उन लोगों की कुछ समझ में नहीं आया। मेरे पिताजी एक कठोर मिजाज के व्यक्ति थे और कोयले के खानों में काम करते थे। मेरे तीनों बड़े भाई भी यहीं कार्यरत थे। पिताजी बिलियर्ड्स खेल के काउंटी चैंपियन थे और साथ ही साथ खूब जुआ खेलते थे। दूसरी ओर स्थानीय गिरजाघर में घंटी बजाने का काम के साथ अन्य जिम्मेदारियां भी संभालते थे। मेरे भाई भी इसी गिरजाघर के कार्यक्रमों में भाग लेते थे, खासकर कॉयर में गीतों की सेवा में। मेरी माताजी की घोषणा का पिताजी ने बुरे रुख से जवाब दिया, आगे कभी भी उस मिशन हॉल में जाने से रोक दिया। पर मेरे भाइयों के सहयोग से माताजी और मैं नित्य उस हॉल में आयोजित सभाओं में भाग लेते रहे। उस साल ईस्टर के करीब आते आते मैं बीमार पड़ गया। प्रारंभ में बीमारी इतनी गंभीर नहीं लगी, पर कुछ ही दिनों में पता चला कि मुझे डबल निमोनिया हुआ है, जो कि उन दिनों में बहुत खतरनाक समझा जाता था। जल्द ही मैं इतना गंभीर हो गया कि कोमा में चला गया। मेरी पूरी जांच करने के पश्चात एक मस्तिष्क के डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी भी होश में नहीं आऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो हुआ सो भले के लिए हुआ, क्योंकि यदि मैं होश में किसी तरह वापस आया भी तो जिंदगी भर के लिए मानसिक तौर पर
पिछड़ा ही रहूंगा। जिस मिशन में मेरी माँ और मैं जाते थे वह हमारे पास के गांव में ईस्टर की कुछ सभाओं का आयोजन कर रही थी। ईस्टर के शनिवार को मुझे कोमा में पड़े पड़े एक सप्ताह पूरा हो चुका था। मेरे डॉक्टर ने बताया कि मेरी स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है और उनके अनुसार मैं पूरा दिन भी शायद ना देख पाऊंगा। मेरे माताजी के कहने पर मेरे पिताजी उस दिन की सभा में मेरे लिए प्रार्थना करवाने चले गए। वहां के पास्टर श्री रिचार्डसन, जो स्मिथ विगल्सवर्थ के घनिष्ठ मित्र थे, और चार्ल्स बकले, जो उन सभाओं के एक प्रचारक थे, मेरी माताजी के साथ घर आए। जैसे उन्होंने घर में कदम रखा, डॉक्टर घर से बाहर निकल रहे थे। श्री रिचार्डसन के पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि मेरा एक और घंटा जीवित रहना नामुमकिन है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। मेरा सारा परिवार उस कमरे में इकट्ठा हो गया था जहां मैं बीमार अवस्था में लेटा हुआ था। मेरी माँ के अलावा सबने समझ लिया था कि यही मेरी अंतिम घड़ी थी। हालांकि मैं बुरी तरह से बीमार था, फिर भी मेरे परिवारजन मुझे जीवित देखना चाहते थे, क्योंकि घर में सबसे छोटे होने के नाते मैं सब में सुप्रिय था। श्री रिचार्डसन और श्री बकले मेरे कमरे में आए। तत्पश्चात श्री बकले कहने लगे, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि यहाँ आज एक अद्भुत काम होने जा रहा है। अगर आज प्रभु इस लड़के को ठीक कर दे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरा सबसे बड़ा भाई, जो एक सुडौल जवान था, कहने लगा, अगर परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया तो हम सब प्रभु की सेवा करेंगे। श्री बकले तुरंत कहने लगे, क्या आप समझ रहे हैं कि आप मुझसे वायदा नहीं कर रहे हैं, पर परमेश्वर से कर रहे हैं? मेरे भाई ने जवाब में कहा, हाँ, हम इस बात को समझते हैं। हम अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं, श्री बकले ने कहा, पर हो सकता है कि चंगाई तुरंत ना हो। अगर ऐसा हुआ तो निराश ना होना। हमारे घर छोड़ने से पहले परमेश्वर हमें अपने काम का एक चिन्ह दिखाएगा। जब उन्होंने प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ, या ऐसा हमें लगा। इसके बाद वे नीचे गए जहां मेरी बहन ने उनके लिए चाय तैयार की थी। चूंकि दोपहर की सभा में वे जा नहीं पाए थे, इसलिए सीधा संध्या सभा की ओर बढ़े। मेरे भाइयों ने मेरे लिए एक मुर्गी के रूप का ईस्टर चॉकलेट खरीदा था, जो ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था। मुझे अब भी याद है कि उस रात कैसे मैं सीधा कोमा में से निकलकर चिल्लाकर कहने लगा, माँ, मेरी चॉकलेट मुर्गी कहाँ है? इस तरह मैं पूरी तौर से चंगा हो गया। मेरा परिवार श्री रिचर्डसन और श्री बकले के साथ सभा में गया और उन सब ने उद्धार पाया। उद्धार पाने वालों में सबसे पहले थे मेरे पिताजी। यह चमत्कार इतना स्पष्ट और निर्णात्मक था कि कुछ ही समय में मेरे परिवार और निकटतम रिश्तेदारों में से 57 व्यक्तियों ने उद्धार पाया। हाँ, यह बात सच है कि शैतान इतने बड़े धक्के को बिना किसी प्रतिक्रिया के सहने वाला नहीं था। परमेश्वर के काम को वह किसी न किसी तरह नीचा करने की कोशिश करता ही है। कुछ ही समय में मुझे भयंकर अपेंडिसाइटिस का दर्द उठने लगा। डॉक्टर आया और उसने कहा कि अगर मेरी जान बचानी है तो तुरंत सर्जरी करवानी पड़ेगी। मेरी माँ ने कहा, अगर परमेश्वर इसे 2 घंटों में चंगा ना करे तो मैं सर्जरी के लिए सहमति दे दूंगी, पर डॉक्टर ने कहा कि वह इस आग्रह को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरी माँ ने जवाब दिया, अगर आप 2 घंटों की अवधि नहीं दे सकते तो जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि वह 2 घंटों बाद वापस आएंगे, और जब वह वापस लौटे तो मैं नींद में था। पुनः मैंने अद्भुत चंगाई पाई। यद्यपि श्री विगल्सवर्थ हमारे घर से केवल 20 मील की दूरी पर रहते थे, अब तक हम उनसे नहीं मिले थे, पर इस घटना को हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता था कि उनसे मुलाकात हुई और वे मेरे जीवन में हुए आश्चर्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानना चाहते थे। परमेश्वर के कार्य से वे इतने खुश हुए मानो चंगाई में उनका भी कोई हाथ था। उस समय से मेरे परिवार और उनके बीच गहरी मित्रता रही है। एक नम्र व्यक्ति। किसी भी अद्भुत चंगाई द्वारा विगल्सवर्थ ने अपनी महिमा नहीं चाही। वे केवल मसीह को ऊंचा करना चाहते थे और मनुष्यों की प्रशंसा की उपेक्षा करते थे। सच यह है कि उन्होंने कहा कि एक बार परमेश्वर की आवाज उन तक पहुंची, विगल्सवर्थ, मैं तुझे तब तक जलाऊंगा जब तक कि तुझ में बिल्कुल भी विगल्सवर्थ बाकी ना रहे, तब फिर केवल यीशु ही दिखेगा। जहां तक विगल्सवर्थ की बात थी, ऐसा ही हुआ। वे स्वयं कभी भी उठकर दिखना नहीं चाहते थे। मैं उस संगति को कभी नहीं भूल सकूंगा जो मुझे उनके साथ आखिरी बार मिली। हम उनके घर में मेज पर बैठे हुए थे। यह घटना उनके मृत्यु से 1 सप्ताह पहले की है।
उनकी आंखों में आंसू थे और मेरी ओर देखकर कहने लगे, तुम कब उस स्तर पर पहुंचोगे जो तुमने अभी नहीं पाई है, ताकि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाओ। और कहते गए, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, पूरे 87 वर्ष का। हो सकता है कि मैं इतनी उम्र का ना दिखूं, मैं तो ऐसा महसूस भी नहीं करता हूँ, पर मेरे जन्म के प्रमाण पत्र का तुम इनकार नहीं कर सकते। उसके अनुसार मेरी उम्र है 87 साल, इसलिए मुझे भी यह मानना पड़ रहा है, भले ही महसूस ना करूं। आज मेरे डाक में मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक निमंत्रण मिला, एक भारत से और श्रीलंका से और एक अमेरिका से। लोगों की आंखें अब मुझ पर है। इतना कहकर वे बिलखने लगे मानो उनका हृदय टूटा जा रहा था। बेचारा विगल्सवर्थ रोते हुए बोले, कितने पराजय की बात है कि लोगों की नजर आज मुझ पर है। परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा, वह मुझे मंच से उठा लेगा। मैं सोचने लगा, हे प्रभु, अगर इनका जीवन पराजय है तो मैं क्या हूं।